एकविमीय गति, आज हम एकविमीय गति के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा यांत्रिकी का अध्ययन करेंगे। यांत्रिकी, जिसे हम अंग्रेजी में मैकेनिक्स भी कहते हैं। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी के दो भाग हैं, जिसमें से पहला भाग है स्थिति विज्ञान और दूसरा भाग है गति विज्ञान। जैसे यांत्रिकी की परिभाषा से स्पष्ट है कि यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की विरामावस्था और गत्यावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसी के आधार पर यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। तो स्थिति विज्ञान के अंतर्गत यांत्रिकी के उस हिस्से को हम जानते हैं जिसमें कोई वस्तु विरामावस्था में है या नहीं है, इसका हम अध्ययन स्थिति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और गति विज्ञान के अंतर्गत कोई वस्तु गत्यावस्था में है या नहीं, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, तो उसे हम गति विज्ञान कहते हैं। इसके बाद हम कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे, जैसे गतिशील वस्तु किसे कहते हैं, बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, ये इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गतिशील वस्तु हम किसे कहेंगे। गतिशील वस्तु, यदि मान लो किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो उस स्थिति में हम उसे गति का होना कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन होता है तो इसे गति कहते हैं, और जो वस्तु गति करती है उस वस्तु को हम गतिशील वस्तु कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है, और जो वस्तु गति करती है उसे गतिशील वस्तु कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो पक्षी गतिशील वस्तु हो गई, नाव नदी में तैरती है तो नाव भी एक गतिशील वस्तु है, उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है तो यहाँ पर पृथ्वी स्थिर है और चंद्रमा उसके चारों ओर घूमती है, अर्थात यहाँ पर चंद्रमा एक गतिशील वस्तु है। इसके बाद हम देखते हैं बिंदु वस्तु किसे कहेंगे। बिंदु वस्तु हम किसे कहते हैं। यदि गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बहुत अधिक हो वस्तु के आकार की तुलना में, तो उस स्थिति में उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। बिंदु वस्तु का मतलब यह है, यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वस्तु की तुलना में बहुत अधिक होती है तो उस स्थिति में उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे क्रिकेट का मैदान है और वहाँ पर जो क्रिकेट की बॉल की जो गति है, तो उस स्थिति में जो क्रिकेट का जो बॉल है जो कि उस क्रिकेट के मैदान में गति कर रही है, तो उस क्रिकेट के बॉल को हम बिंदु वस्तु कह सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे किसी समुद्र में कोई जहाज है, तो उस स्थिति में वह जहाज भी एक बिंदु वस्तु कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा यांत्रिकी की परिभाषा। यांत्रिकी भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है जिसके अंतर्गत हम
किसी वस्तु के विरामावस्था या गत्यावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी के आधार पर यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है, एक उसके स्थिति के आधार पर जिसे स्थिति विज्ञान कहते हैं, और एक दूसरा है किसी वस्तु के गति के आधार पर जिसमें हम किसी वस्तु के गत्यावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे गति विज्ञान कहते हैं। और हम यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रहना चाहिए कि यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है तभी हम कहते हैं कि वहाँ गति हो रहा है। यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एकविमी गति। एकविमी गति किसे कहते हैं? तो एकविमी का मतलब क्या है? एक विमा, एकविमी का मतलब जिसमें केवल लंबाई होती है। यदि हम किसी धागे के दोनों सिरों को पकड़ करके खींचें तो उस स्थिति में उसमें केवल लंबाई होती है, तो उस लंबाई में यदि कोई वस्तु गति करे तो उसे हम एकविमी गति कहते हैं। तो एकविमा का मतलब होता है जिसमें केवल लंबाई हो। और हम यहाँ पर एकविमी गति को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार के गति को एकविमी गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, इस दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो यदि कोई वस्तु बिंदु ए से होकर के बिंदु बी तक पहुँचती है तो इस प्रकार के गति को हम एकविमी गति कहते हैं, जहाँ पर बिंदु ए वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहलाती है तथा बिंदु बी वस्तु की अंतिम स्थिति कहलाती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं। यदि मान लो किसी सड़क पर किसी वाहन की जो गति है तो उस गति को भी हम एकविमी गति कहते हैं। रेल की पटरी पर रेलगाड़ी की गति, यह भी एकविमी गति का उदाहरण है। किसी तनी हुई रस्सी पर यदि कोई कीड़ा चल रहा है तो वह भी एकविमी गति का उदाहरण होता है। इसके बाद हम देखते हैं द्विविमी गति। दूसरा है द्विविमी गति। द्विविमी गति हम किसे कहेंगे? यदि कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है, अर्थात समतल की दो विमाएं होती हैं। समतल का उदाहरण क्या है? जैसे यह मान लो एक ब्लैक बोर्ड है, यह एक समतल है। कैसे? क्योंकि समतल में दो विमाएं होती हैं, प्रत्येक समतल में एक लंबाई होता है और दूसरा चौड़ाई होता है। अर्थात किसी भी समतल में उसकी दो विमाएं होती हैं, या वहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी समतल में दो एक्सिस होते हैं, दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यदि मान लो कोई वस्तु किसी समतल में गति करे तो वस्तु के इस प्रकार के गति को द्विविमी गति कहते हैं। तो द्विविमा का मतलब होता है यहाँ पर द्विविमी का मतलब होता है जिसमें दो विमाएं हो, दो विमाएं अर्थात जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। अर्थात किसी समतल में लंबाई और चौड़ाई होती है तो उस लंबाई और चौड़ाई के अंतर्गत यदि कोई वस्तु गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार के गति को द्विविमी गति कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, द्विविमी गति वह गति होता है जिसमें कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है। इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में यदि मान लो कोई वस्तु, जैसे मान लो दीवार पर कोई छिपकली चल रहा है तो यह द्विविमी गति का उदाहरण है। तालाब में कोई नाव गति कर रहा है तो तालाब एक समतल की तरह कार्य करेगा और नाव उसमें गति कर रहा है तो यह भी द्विविमी गति का उदाहरण है। उसी प्रकार से जैसे जमीन पर कोई कीड़ा रेंग रहा है या चल रहा है तो वह भी द्विविमी गति का उदाहरण है। उसी प्रकार से
जैसे कैरम बोर्ड है, उसमें जो उसकी जो गोटियाँ जो होती है उनकी जो गति होती है उसकी गति को भी हम द्विविमी गति कह सकते हैं। यदि हम इसको इसका आरेख खींचें तो इस प्रकार से खींच सकते हैं, किसी समतल में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाता है और दूसरा वाई एक्सिस कहलाता है और वो मूल बिंदु कहलाता है। यदि मान लो इस समतल में, यहाँ पर यह कहलाता है एक्स वाई समतल, तो एक्स वाई समतल में यदि मान लो कोई बिंदु P है जो कि x अक्ष में यहाँ से यहाँ तक x दूरी पर है और इधर से यदि नापें तो यहाँ से यहाँ तक, सपोज इस बिंदु को A से डिनोट करें, इस बिंदु को B से डिनोट करें, तो x अक्ष में OA की दूरी x है, अर्थात x अक्ष में यह बिंदु x दूरी पर स्थित है और y अक्ष में यह बिंदु OB दूरी, अर्थात मान लो इसे y के बराबर मानते हैं, तो y अक्ष में बिंदु P y दूरी पर स्थित है, तो उस स्थिति में इसका जो निर्देशांक जो होता है हम उसे एक्स वाई से दर्शाते हैं, जहाँ x इस बिंदु की x अक्ष से दूरी है और y इस बिंदु P की y अक्ष से दूरी है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, इस पॉइंट का जो निर्देशांक जो होता है, x अक्ष में यह जीरो दूरी पर स्थित है और y अक्ष में भी यह जीरो दूरी पर स्थित है, इसलिए जो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह जीरो जीरो होता है। इसी प्रकार से हम इसको जब सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे, तो जब सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे तो उस स्थिति में हमें यहाँ पर एकक सदिश मानना होता है, तो एक्स एक्सिस में जो एकक सदिश होता है वह आई केप के बराबर लेते हैं, उसे आई केप, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है एकक सदिश। उसी प्रकार से वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है वह उसे हम जे केप से डिनोट करते हैं। तो उस स्थिति में ओपी का जो स्थिति सदिश जो होता है, ओपी का स्थिति सदिश हम ओपी बार से डिनोट करते हैं और ओपी बार इज इक्वल टू आर बार लेते हैं और आर बार बराबर होता है एक्स इंटू आई केप प्लस वाई इंटू जे केप। तो यह द्विविमा में किसी बिंदु के स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है और आर बार बराबर एक्स इंटू आई केप प्लस वाई इंटू जे केप होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं या यहाँ पर हमने जाना कि द्विविमी गति किसे कहते हैं। तो द्विविमी गति, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है तो इसे हम द्विविमी गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे यदि कोई वस्तु किसी दीवार पर गति कर रही है, अर्थात मान लो कोई छिपकली है वह दीवार पर चल रही है, तो वस्तु की इस गति को हम द्विविमी गति कहेंगे। उसी प्रकार तालाब में यदि कोई नाव है तो उस नाव की गति भी द्विविमी गति कहलाएगी। यदि मान लो कैरम बोर्ड है, उसमें जो गोटियाँ जो होती हैं उनकी गति भी द्विविमी गति होगी। उसी प्रकार से जमीन पर कोई कीड़ा रेंग रहा है तो वह भी द्विविमी गति का उदाहरण है। इसके पश्चात हम देखते हैं त्रिविमी गति। त्रिविमी गति, त्रिविमी, त्रिविमी शब्द का अर्थ होता है जिसकी तीन विमाएं हों, अर्थात जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हों, तो उसे हम त्रिविमी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने इससे पहले बताया आप लोगों को, एक विमी का मतलब जिसमें केवल एक विमा हो तो केवल लंबाई होता है, द्विविमी का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, और त्रिविमी का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ उसकी ऊंचाई या मोटाई या गहराई, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, तो उसे हम त्रिविमी कहते हैं। तो त्रिविमी गति को हम कैसे परिभाषित करेंगे? यदि मान लो कोई वस्तु आकाश में गति करती है,
या अंतरिक्ष में गति करती है या स्पेस में गति करती है, तो वस्तु के इस प्रकार के गति को त्रिविमी गति कहते हैं। अर्थात यदि मान लो कोई वस्तु आकाश में गति कर रही है तो उसे हम कहेंगे त्रिविमी गति। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे आकाश में पतंग उड़ रहा है तो आकाश में पतंग की जो गति होगी वह त्रिविमी गति होगी। आकाश में जैसे चिड़िया उड़ते हैं तो उनकी गति भी त्रिविमी गति होगी। उसी प्रकार से आकाश में जो भी वस्तुएं गति करेंगी वे सारी गतियां त्रिविमी गति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर त्रिविमी गति में हम जो एक्सिस जो लेते हैं, अक्ष जो लेते हैं, यहाँ पर तीन अक्ष लिया जाता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जो कि तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये मूल बिंदु हो गया ओ, ओ एक्स एक्स एक्सिस होगा, ओ वाई वाई एक्सिस होगा, और जो ओ जेड जो होता है वास्तव में ये दोनों अक्षों के लंबवत होता है। दोनों अक्षों के लंबवत का मतलब इस दिशा में होता है, सामने की दिशा में ऐसा। तो इसे हम इस ब्लैक बोर्ड पर नहीं बता सकते, इसलिए हम इसको इधर ऐसा खींचते हैं। अर्थात यहाँ पर एक्स ओ वाई ये भी 90 अंश का होता है, वाई ओ जेड ये भी 90 अंश का होता है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, और ओ सॉरी एक्स ओ जेड ये भी 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार से जब हम तीन अक्षों को दर्शाते हैं तो ये तीन विमाएँ कहलाती है। अब यदि मान लो इस तीन विमाओं में तीन तल हैं, एक तल होता है एक्स ओ वाई, दूसरा तल होता है वाई ओ जेड और तीसरा तल होता है एक्स ओ जेड। इस प्रकार से यहाँ पर तीन तल होते हैं, और यहाँ पर यदि मान लो इस त्रिविमा में यदि मान लो कोई वस्तु बिंदु P पर स्थित है, यहाँ पर मान लो बिंदु P पर स्थित है, इसका मतलब ये है कि बिंदु P एक्स अक्ष में, सपोज इस बिंदु को O से डिनोट करें, ओ ए दूरी पर है, और सपोज इसका मान x है, और y अक्ष में यह बिंदु मान लो ओ बी दूरी पर स्थित है, और इसका मान मान लो स्मॉल y के बराबर है, तो यह बिंदु P y अक्ष से y दूरी पर स्थित है, y अक्ष में y दूरी पर स्थित है, और z अक्ष के लिए अपन देखें तो इस प्रकार से ऐसे मिला सकते हैं इसको। मान लो ये बिंदु C है तो मान लो ये कितनी दूरी पर है, Z दूरी पर स्थित है। तो उस स्थिति में P के जो निर्देशांक जो होते हैं उसे हम X, Y, Z से दर्शाते हैं, जहाँ X X अक्ष में बिंदु P की दूरी है, Y Y अक्ष में बिंदु P की दूरी है, और Z Y अक्ष सॉरी Z अक्ष से बिंदु P की दूरी है। तो इसके निर्देशांक को P, X, Y, Z से हम दर्शाते हैं। और यहाँ पर जो मूल बिंदु का जो निर्देशांक जो होगा, O का निर्देशांक ये 0, 0 और 0 होता है। अर्थात इस बिंदु O पर X का मान 0 होता है, Y का मान 0 होता है, और Z का भी मान 0 होता है। और यदि हम इसे सदिश रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो उस स्थिति में x अक्ष के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर होता है उसे i कैप से दर्शाते हैं, y अक्ष के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर होता है उसे j कैप से दर्शाते हैं, और z अक्ष के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर होता है उसे k कैप से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप क्रमशः x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अनुदिश इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। और इसे जब अपन इस स्थिति में जब हम बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं तो वह OP बार के बराबर होता है, और OP बार बराबर यहाँ पर भी हमको ये R बार के बराबर प्राप्त होता है, और R बार बराबर हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर i कैप प्लस y इंटू वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर j कैप प्लस z इंटू जेड एक्स के अनुदिश यूनिट वेक्टर k कैप।
तो इस प्रकार त्रिविमा में, इस प्रकार त्रिविमा में बिंदु P का जो स्थिति सदिश होता है वह R बार बराबर एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर एकविमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति। एकविमी गति में वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है, द्विविमी गति में कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है और त्रिविमी गति में कोई वस्तु आकाश में गति करती है। तो इस प्रकार के गतियों को क्रमशः एकविमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति कहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर एकविमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति के बारे में देखा। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति, तो ऋजु रेखीय गति हम किसे कहते हैं? ऋजु रेखीय का मतलब होता है, ऋजु का मतलब होता है एकदम सीधा और रेखीय का मतलब सरल रेखा। तो ऋजु रेखीय का मतलब होता है एकदम सीधे सरल रेखा में यदि कोई वस्तु गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार के गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु ऋजु रेखीय गति कर रही है उसका मतलब होगा वह वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करती है। तो यहाँ पर सरल रेखा में गति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर जो चिन्ह परिपाटी जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, चिन्हों को हम किधर धनात्मक होगा किधर ऋणात्मक होगा उसके बारे में जानते हैं। तो यदि मान लो कोई समतल है उसे हम दो एक्सिस में बांटते हैं इस प्रकार से, ये जो एक्सिस है एक्स एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस कहलाता है या एक्स अक्ष कहलाता है, और ये जो मध्य का बिंदु है ये मूल बिंदु कहलाता है, और ये वाई वाई डैश ये वाई एक्सिस कहलाता है, जिसमें से एक्स ओ वाई इसको हम पहला चतुर्थांश बोलते हैं, वाई ओ एक्स डैश ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, एक्स डैश ओ वाई डैश ये तीसरा चतुर्थांश कहलाता है, और एक्स ओ वाई डैश ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। यहाँ पर देखिए यदि मान लो ये बिंदु A है तो उस स्थिति में O से जो A तक की जो दूरी होगी वह x अक्ष में धनात्मक होगी। उसी प्रकार से जैसे O से B तक की जो दूरी होगी OB वह y अक्ष में धनात्मक होगी। यहाँ पर O से A तक की दूरी x अक्ष में धनात्मक होगी, O से B तक की दूरी y अक्ष में इधर धनात्मक होगी। अर्थात हम बोल सकते हैं ओ एक्स एक्स एक्सिस का धनात्मक अक्ष है, ओ वाई वाई एक्सिस का धनात्मक अक्ष है। इसी प्रकार से यदि हम इधर देखें बाईं ओर ओ के बाईं ओर एक्स अक्ष की दिशा में यदि मान लो ये बिंदु सी है तो जो ओ सी की जो दूरी होगी वह एक्स अक्ष में ऋणात्मक होता है, वह एक्स अक्ष में ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार से यदि हम y एक्सिस में नीचे की ओर जाएं, अर्थात ओ वाई डैश की ओर जाएं, तो उस स्थिति में यदि यहाँ पर एक बिंदु D है तो O से जो D तक की जो दूरी होगी वह y एक्सिस में ऋणात्मक होता है। अर्थात हम यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं x एक्सिस में OA की दूरी धनात्मक होगी
और यहीं पर x अक्ष में OC की जो दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी, y अक्ष में OB की जो दूरी होगी वह धनात्मक होगी, और y अक्ष में OY डैश की जो दूरी होगी वह अर्थात OD जो दूरी होगी वह ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर बिंदु A धनात्मक दूरी को प्रदर्शित करेगा x अक्ष में, बिंदु B y अक्ष में धनात्मक दूरी को प्रदर्शित करेगा, और बिंदु C x अक्ष में ऋणात्मक दूरी को प्रदर्शित करेगा, और बिंदु D y अक्ष में ऋणात्मक दूरी को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। और संख्या रेखा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में, इसमें बीच का बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। सपोज इधर x है और इधर x डैश है, तो उस स्थिति में O के जो दाईं ओर के जो मान होते हैं O से इधर दाईं ओर के जो मान होते हैं ये धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव धनात्मक को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से O के जो बाईं ओर के जो मान होते हैं इधर O से जो बाईं ओर के जो मान होते हैं ये मान ऋणात्मक होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हम ऋजुरेखीय गति के बारे में जानेंगे तो इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे इस स्थिति में हम यहाँ देख सकते हैं जो पहला चतुर्थांश है यहाँ पर यदि निर्देशांकों को लिखना चाहें तो पहले चतुर्थांश में यहाँ पर जो मान होते हैं x का मान धनात्मक होता है और y का मान धनात्मक होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसा दर्शा सकते हैं प्लस x और प्लस y। पहले चतुर्थांश में x का मान धनात्मक होता है और y का मान भी धनात्मक होता है, मतलब प्लस x प्लस y। यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं x का मान पहले लिखा जाता है तो x का मान कैसा है, ऋणात्मक है, तो ऋण x, और y का मान कैसा है, धन y। तो यहाँ पर निर्देशांकों को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। उसी प्रकार से इस अक्ष में या इस चतुर्थांश में, ये चतुर्थांश क्या कहलाएगा, x डैश o y डैश। तो x डैश o y डैश में हम देखते हैं यहाँ x का मान भी ऋणात्मक है और y का मान भी ऋणात्मक है। तो इसको यदि अपन निर्देशांक के रूप में दर्शाएं तो इसे हम दर्शा सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई के रूप में। उसी प्रकार से हम चौथे चतुर्थांश में देखें, चौथे चतुर्थांश में हमारा चौथा चतुर्थांश है x o y डैश। तो x o y डैश में x के मान धनात्मक होते हैं और y के मान ऋणात्मक होते हैं। तो यदि हम इसे निर्देशांकों के रूप में दर्शाएं तो इसे हम दर्शा सकते हैं प्लस x माइनस वाई। तो इस प्रकार से हम यहाँ x और y के निर्देशांकों को दर्शा सकते हैं। तो इस बात का ऋजुरेखीय गति का जब हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। इसके पश्चात हम देखते हैं विस्थापन और दूरी। विस्थापन एवं दूरी, इसमें हम देखते हैं पहले विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन क्या है, या इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को हम परिभाषित कर सकते हैं गतिमान वस्तु द्वारा किसी विशेष दिशा में स्थिति परिवर्तन होता है उसे हम उसका विस्थापन कहते हैं। गतिमान वस्तु के द्वारा किसी विशेष दिशा में जो उसके स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु का विस्थापन कहा जाता है, या हम इसे दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं गतिमान वस्तु के द्वारा किसी विशेष दिशा में जो तय की गई जो
पथ की लंबाई है या तय की गई जो दूरी है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन की परिभाषा को हम एक बार फिर से दोहराएं तो किस प्रकार से दोहराया जा सकता है, यदि किसी वस्तु के द्वारा एक विशेष दिशा में जो तय की गई जो दूरी होती है उसे विस्थापन कहा जा सकता है या कहा जाता है, या गतिमान वस्तु द्वारा किसी विशेष दिशा में जो स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। यहाँ पर विस्थापन जो है किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और वस्तु के अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। विस्थापन किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और वस्तु के अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। हम विस्थापन को धनात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक भी ले सकते हैं और शून्य भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम जानते हैं यहाँ परिभाषा में स्पष्ट है किसी विशेष दिशा में किसी वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे विस्थापन कहा जाता है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सदिश राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उस राशि को सदिश राशि कहा जाता है। अर्थात विस्थापन में इसका मान भी होता है और इसका दिशा भी होता है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। उसके पश्चात हम इसका एसआई मात्रक देखें। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर और विमी सूत्र, विमी सूत्र भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए केवल एक ही विमा है मीटर, जो कि लंबाई के लिए है, इसलिए यहाँ पर L का मान ही एक होगा, बाकी M जीरो होगा और T भी जीरो होगा, इसलिए इसका विमी सूत्र M जीरो L T जीरो होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि विस्थापन का मान वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और वस्तु के अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो उसके आधार पर हम यहाँ पर देख सकते हैं विस्थापन के लिए जैसे एक डायग्राम देखें, यहाँ पर बिंदु A है और ये बिंदु P है। हम बिंदु A से बिंदु B तक विभिन्न मार्गों से पहुँच सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस मार्ग का अनुसरण करके पहुँचे, यदि हम A X से होते हुए B तक पहुँचे, या फिर A से पहले C गए, C से D के बाद B में पहुँचें, या फिर इधर से एक्स वाई से होते हुए बी में पहुँचे, तो प्रत्येक स्थिति में जो यहाँ पर जो विस्थापन होगा वह ए बी ही होगा, क्योंकि विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ पर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए है और वस्तु की जो अंतिम जो स्थिति है वह बी है, तो यहाँ पर विस्थापन ए बी के बराबर ही होगा, चाहे वह किसी भी मार्ग का अनुसरण करे। तो इससे हम ये भी बता सकते हैं कि विस्थापन पथ की जो आकृति होती है, जिस पथ से वस्तु गति करती है उस पर निर्भर नहीं करता। अर्थात विस्थापन पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, यह केवल जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है और जो वस्तु की अंतिम स्थिति है उस पर निर्भर करता है। और जैसे इसका जो मान जो शून्य कब हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यदि मान लो कोई वस्तु वृत्ति गति कर रहा है, ये वृत्त का केंद्र है और इसकी परिधि पर एक बिंदु A है, यदि वस्तु बिंदु A से गति करता हुआ पुनः बिंदु A पर पहुंच जाए तो उस स्थिति में इसकी प्रारंभिक स्थिति भी A है और अंतिम स्थिति भी A है, मतलब वस्तु जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहीं पर फिर से वापस पहुंच गया, तो इस स्थिति में जो वस्तु का जो विस्थापन होता है वह शून्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं दूरी। दूरी किसे कहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और है, विस्थापन की यदि हम लिखना चाहें
जैसे मैंने बताया, विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु के अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, तो इसे हम विस्थापन को सूत्र से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, माना वस्तु की T1 समय में स्थिति X T1 है, जहां भी X लिखा रहेगा वह वस्तु के स्थिति को प्रदर्शित करता है, और X ब्रैकेट में यदि T1 लिखा है मतलब वह T1 समय में वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। तो हम यहां पर मान रहे हैं, माना वस्तु की T1 समय में स्थिति X T1 है तथा T2 समय में वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, X T2। अतः वस्तु का विस्थापन तो इस स्थिति में X T1 प्रारंभिक स्थिति होगी और X T2 अंतिम स्थिति होगी। तो उस स्थिति में वस्तु का विस्थापन को हम डेल से डिनोट करते हैं, डेल बराबर X T2 माइनस X T1, ये वस्तु का विस्थापन कहलाता है। डेल X से दर्शाएंगे इसे विस्थापन को, क्योंकि X की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, X की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम इसे डेल एक्स से दर्शाएंगे वस्तु के विस्थापन को। और डेल एक्स बराबर होगा अंतिम स्थिति जो कि T2 समय पर स्थिति है X T2 माइनस प्रारंभिक स्थिति जो कि T1 समय पर है X T1। तो जो वस्तु का जो विस्थापन होगा डेल एक्स, वह होगा X T2 माइनस X T1, अर्थात T2 समय में वस्तु की स्थिति ऋण T1 समय में वस्तु की स्थिति। तो ये वस्तु के विस्थापन को इस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दूरी। दूरी या अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस। जितने भी भौतिक राशियां हैं उनके अंग्रेजी नाम भी आप सभी को याद रहना चाहिए। तो यहाँ दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस। अब दूरी किसे कहेंगे, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई जो पथ की जो लंबाई है वह दूरी कहलाता है, उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर जो दूरी जो होता है यह केवल धनात्मक मान होता है, दूरी का मान केवल धनात्मक होता है और यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि। जैसे हमने देखा था विस्थापन सदिश राशि था और दूरी जो है वह अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है दिशाएं नहीं होती, तो उस राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब दूरी का केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती, और दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, और इसका मान अदिश होता है। साथ ही साथ इसका जो SI जो मात्रक जो होता है, इसका भी SI मात्रक मीटर या मीटर को हम स्मॉल m से भी दर्शा सकते हैं। क्योंकि इसमें केवल एक मूल मात्रक है मीटर, इसलिए इसका जो विमी सूत्र होगा, विमी सूत्र हमको मिलेगा m नहीं है, m मतलब द्रव्यमान इसमें नहीं है तो m0। लंबाई एक बार आया है इसलिए इसकी विमा एक, समय भी यहाँ पर नहीं है इसलिए समय की विमा 0। तो इस प्रकार से इसका जो विमी सूत्र होगा, इसका भी विमी सूत्र हमको m0 l1 l की घात 1 t0, ये इसका विमी सूत्र होता है। इसके बाद देखते हैं, जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था ये जो डायग्राम था
इस डायग्राम में विस्थापन हमेशा AB के बराबर था, लेकिन यहाँ पर जो दूरी जो होगी वह हमेशा विस्थापन के बराबर हो सकता है या हमेशा विस्थापन से अधिक होता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, इन दोनों चित्रों में देखें, ये हमारा चित्र पहला है और ये हमारा चित्र दूसरा है। पहले चित्र में देखिए, पहले चित्र में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, ए से बी तक पहुंचने में वस्तु कितनी दूरी तय करता है, ये उसके पथ पर निर्भर करता है। यदि वस्तु सीधा सीधा ए से बी तक पहुंचा, मतलब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी ए बी, और यदि वस्तु ए से पहले x में पहुंचा और x के पश्चात b में पहुंचा, तो उस स्थिति में जो दूरी जो होगा, उस स्थिति में दूरी क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस एक्स बी। कौन से पथ का अनुसरण कर रहा है? ए एक्स बी पथ का अनुसरण कर रहा है, तो उस स्थिति में दूरी होगा ए एक्स प्लस एक्स बी। उसी प्रकार से यदि यह इस पथ का अनुसरण कर रहा है, ए से सी तक पहुंच रहा है, सी के बाद डी में जा रहा है, डी से फिर बी तक पहुंच रहा है, तो इस स्थिति में दूरी हो जाएगा ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। उसी प्रकार से यदि वह वस्तु ए वाई बी पथ का अनुसरण कर रहा है, तो उस स्थिति में ए वाई प्लस वाई बी इसके बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे चित्र में, अब यहाँ पर देखिए दूसरे चित्र में, दूसरे चित्र में क्या है, यहाँ पर विस्थापन का मान शून्य था क्योंकि वस्तु वृत्ति गति कर रही है और पुनः जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहीं पे आकर के, मतलब वहीं पर आ जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर विस्थापन शून्य है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी जो होगा, दूरी क्या होगा, ए से लेकर से फिर से ए तक पहुंचा, अर्थात चूंकि वस्तु वृत्ति गति कर रहा है, तो जो दूरी तय की गई, जो दूरी होगी वस्तु के द्वारा, वह इस वृत्ताकार जो पथ है उसकी परिधि होगी। तो तय की गई दूरी बराबर होगा यहाँ पर वृत्त की परिधि। यदि इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो हमको पता है परिधि का मान होता है 2π × r। तो दूसरे चित्र में वस्तु द्वारा जो तय की गई जो दूरी होगी वह वृत्त की परिधि के बराबर होगी और उस दूरी का मान 2π r के बराबर होता है। धन्यवाद।